अभी मौका मिला है, जो सपोर्ट है एकदम अभूतपूर्व सपोर्ट है। और मेरा तो मानना है कि ये एक गुजरात चुनाव नहीं है, 2026 का लोकसभा चुनाव का एक अभ्यास शुरू हो चुका है। गुजरात ही देश को दिशा दे रहा है, दिशा देता है। और जो अभी गुजरात का चुनाव का जो माहौल है, इस माहौल से ही 2026 का माहौल भी साथ ही शुरू हो जाएगा। और गुजरात पूरा देश को दिशा दे रहा है। और मेरा यही भी मानना है कि मोदी जी को जो तीसरा बार लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, इसका जो एक शुरुआती एक कल्पना, ये गुजरात का गुजरात में ही दिखाई दे रहा है। और गुजरात चुनाव का साथ ही इसका एक देश भर में एक एजेंडा शुरू हो जाएगा कि मोदी जी को थर्ड टाइम देश का प्रधानमंत्री भी बनना है और अगली बार 700 सीट पार करके बनना है। लास्ट टाइम हमारा था कि 300 सीट पार, इस टाइम मेरा लग रहा है कि हमारा जो मूड है पूरा देश में, ये 700 सीट पार करने वाला मूड बन जाएगा देश में। गुजरात में जब उसको पहला बार आने का मौका हुआ, उस समय मैंने श्रद्धा और आफ्ताब का बात उठाया था, तो लोगों ने प्रश्न किया था कि भाई गुजरात का साथ श्रद्धा आफ्ताब क्या क्या लेना देना है। अभी जो धीरे धीरे बातें एक लाइट में आ रहा है, आप देखिए कि श्रद्धा ने पहला उसका जो एफआईआर था आफ्ताब का खिलाफ, वो एफआईआर महाराष्ट्र में लॉस किया था। उस समय महाराष्ट्र में किसका सरकार था? ये शिवसेना कांग्रेस वाला सरकार था, जो एक लोगों को भ्रमित करके बनाया था, ये एनसीपी का सरकार था। पुलिस ने डरा के धमका के श्रद्धा का एफआईआर रजिस्टर होने नहीं दिया। अगर कोई भी प्रदेश में, कोई भी देश में कोई आके ऐसा एफआईआर डालते हैं कि मुझको मारने का धमकी दिया है, इट बिकम ए क्रिमिनल केस। जब एक क्रिमिनल केस फाइल होता है, दैट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। इवन विक्टिम को भी उसको विड्रॉ करने का परमिशन नहीं होता है। जब तक क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल डिस्प्यूट है, यू कैन विड्रॉ। बट जब एक क्रिमिनल मामला बन जाते हैं, तो क्रिमिनल मामला को यू कैनॉट विड्रॉ लाइक दैट, बिकॉज क्रिमिनल मामला में आफ्टर द इंफॉर्मेशन इट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। तो ये जो हमारा जो पहले से ही मानना है कि कांग्रेस का तुष्टिकरण का जो राजनीति है, ये तुष्टिकरण का राजनीति कारण ही एक वर्ग को भारत में स्वाधीनता मिल चुका है एक प्रकार, कि आप जो भी करो करो, कानून आपको कभी स्पर्श नहीं करेगा। ये कांग्रेस का कल्चर था, ये कांग्रेस का तुष्टिकरण का संस्कृति था। उसका कारण ही आज देश को आफ्ताब श्रद्धा जैसा बातें देखने लगा है। मर्डर पहले भी होता है, लेकिन जब कोई अपना, जिसका साथ जीवन, आपको जीवन संगी बनाने का आपने एक संकल्प लिया था, इसको जब आप 34 पीसेस करते हैं, तब वो एक नॉर्मल लव अफेयर्स रिलेटेड मर्डर नहीं रहता है। मतलब इसमें ऐसा गुस्सा है कि भाई तुमको हम कुछ करने के लिए लाए थे, शायद तुम मना नहीं, तो इसीलिए तुमको जब मारना है, तुमको एकदम बेदर्द मारना है, ऐसे ऐसे नहीं मारना है। जब तक कोई दूसरा एजेंडा भी उनका साथ शामिल नहीं होता है, तब कोई लोगों को, कोई दूसरे को जिसका साथ अपने जीवन का कुछ समय भी बिताया है, ऐसे आप 34 पीसेस नहीं करेगा। तो इसीलिए मेरा सीधा ये जो भी आप बोलिए, एलिगेशन बोलिए, एक मेरा अनुभव बोलिए, कि देश में कांग्रेस को, देश को कांग्रेस ने एक इकोसिस्टम दिया जहां में लाभ जिहाद जैसा बात एकदम इजी हो चुका था। और ये आफ्ताब जैसा लोग वही भ्रम में था कि भाई अभी भी कांग्रेस का सरकार ही है, कांग्रेस का इकोसिस्टम ही है और हम लोग इसको आगे ले जा सकता हूं। तो इसीलिए हम ये मानता हूं कि देश को एक बहुत बड़ा
लाभ जिहाद का खिलाफ कानून का जरूरत है और ये कानून भारतीय जनता पार्टी का सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ही देश में हो सकता है, ये हम लोग मानता हूं। इस मुद्दा का साथ एक बहुत बड़ा करीबी मुद्दा आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। बाला साहेब अम्बेडकर जी का यह हमारा भीमराव अम्बेडकर जी का बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का एक सपना था कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, लेकिन नेहरू जी ने वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होने नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, उत्तराखंड में भी ऐलान किया कि देश में यूसीसी होना चाहिए और उत्तराखंड का जनता ने इसमें मोहर लगाया। फिर अभी हिमाचल का चुनाव हुआ, इसमें भी हमने ये बात उठाया और हमारा मन में हम लोग एकदम कंफर्म है कि इसमें भी लोग हिमाचल का लोग भी उसमें मोहर लगाएगा। गुजरात में भी ये मुद्दा आ रहा है, गुजरात में भी गुजरात चुनाव में भी जो जनता का राय है वो जनता का राय यूनिफॉर्म सिविल कोड का तरफ एक समर्थन आ जाएगा और देश में धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक माहौल बनेगा। जो नेहरू जी ने मुसलमान महिलाओं का साथ जो एक इनजस्टिस किया और पूरा महिलाओं का साथ जो इनजस्टिस किया नेहरू का समय से ही कांग्रेस ने, इसको एक भरपूर जवाब मिलेगा और देश को एक यूसीसी मिलेगा, ये भी हम लोग सबको एक विश्वास है। भारत को जो 2014 से जो भारत ने देखा ये है कि एक टेरर का खिलाफ जो भारत को दुबला करने के लिए जो एक शक्ति था वो शक्ति आपने देखा होगा अभी एक प्रकार खत्म हो गया। 26/11 हुआ, फिर पार्लियामेंट अटैक हुआ, कांग्रेस का समय में वो रुका ही नहीं था, लेकिन आज रुका क्यों? नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व रहा कि देश का साथ कोई संत्रासवादी, देश का साथ हमारा इनोसेंट लाइफ का ऊपर कोई भी आप खिलवाड़ नहीं कर सकता है, सीमा से आतंकवादी आएगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, आज उस नीति का कारण आपने देखा होगा कि 2014 से धीरे 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 हमारा देश में टेररिज्म वर्ड हैज बिकम ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट। आज कोई टेररिज्म का बात देश में नहीं है। ये नहीं होने का कारण क्या था? कांग्रेस का टेररिज्म को कांग्रेस में क्यों कंट्रोल नहीं कर सका? बिकॉज उसमें भी कांग्रेस को तुष्टिकरण का राजनीति नजर आते थे। टेररिज्म कौन करके रखा था? एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का लोग ही भारत का खिलाफ टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ था। जब मोदी जी ने तुष्टिकरण का राजनीति को खत्म किया, पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिया, आज आपने देखा होगा 2014 का बाद टेररिज्म शब्द ही एक प्रकार देश से खत्म हो चुका है। तो ये राजनीति आज देश को पसंद है, तो इसीलिए हमें यह मानना है कि गुजरात चुनाव हो या अगले लोकसभा चुनाव हो, टेररिज्म का खिलाफ जो हमारा जो रिजॉल्व है वो और आगे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आज PFI का खिलाफ बैन लगा, गृहमंत्री अमित जी का नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने PFI का बैन को जबरदस्त इंप्लीमेंट किया। देश में यह संदेह था कि जब PFI में बैन होगा बहुत सारा रिएक्शन होगा, बहुत सारा इसका एक कुछ ना कोई जगह में इसका खिलाफ बहुत ज्यादा एक प्रकार का रिएक्ट होगा, कोई लोग देश को आसान कर देगा। कुछ नहीं हुआ। 370 का विलोपति का समय भी ऐसा ही हवा निकाला गया था कि 370 अगर विलोपति होगा तो देश एकदम एक प्रकार में कम्युनियल टेंशन में आ जाएगा। कुछ नहीं हुआ। और आज भी आप देखिए PFI का खिलाफ बैंड हुआ, PFI को कंप्लीटली ध्वस कर दिया गया, लेकिन कोई कहीं से भी रिएक्शन नहीं है। आज हमारा गुजरात का चुनाव घोषणा पत्र में हमने ये बोला हूं कि एंटी रेडिकलाइजेशन यूनिट होगा।
बिकॉज जब आप रेडिकलाइजेशन हो जाता है यू आर अटैकिंग द डिजीज कि भाई हो चुका है तो यू आर कंट्रोलिंग इट। बट हमें वैक्सीन चाहिए रेडिकलाइजेशन का खिलाफ कि रेडिकलाइज हो ही नहीं सके। अगर रेडिकलाइज हो सकता है जब तक आप पुलिस का नजर में आता है तब तक कुछ ना कुछ कर लेता है। तो पहला बार गुजरात का चुनाव घोषणा पत्र में एक बहुत बड़ा वर्ड आया एंटी रेडिकलाइजेशन, मतलब रेडिकलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए देश में। इट इज बोथ पॉजिटिव एंड इट इज बोथ एफर्मेटिव भी है, एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन भी है और साथ साथ हमारा एक शक्तिशाली निर्णय को भी दर्शाता है कि हम देश को रेडिकलाइजेशन देश में होने ही नहीं देगा। तो ये जो गुजरात का घोषणा पत्र में आया इससे हमारा देश को रेडिकलाइजेशन का खिलाफ लड़ने में, तुष्टिकरण का खिलाफ लड़ने में एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। आपने राहुल गांधी जी को भी देखा है, थोड़ा दिन पहले मैंने बोला राहुल जी को भाई आपका चेहरा तो सद्दाम हुसैन जैसा हो रहा, तो थोड़ा सा कांग्रेस का लोग मेरा साथ थोड़ा सा नाराज हो गया। इसमें नाराज होने का क्या बात था मेरा ये भी दिमाग में नहीं है, दैट इज माय असेसमेंट। आप अगर आपको लगता है कि दाढ़ी हरी कर लेने से आपका जीवन में मैच्योरिटी हो जाएगा, वो तो अपने आप आने वाला चीज नहीं है। अभी आपने उनका वीडियो देखा होगा, बोल रहा था कि मैं कैसे अपोजिशन में मैं पावर लेता हूं और उनका ही लोग उसका ऊपर हंसने लगा। तो राहुल जी का ऊपर हमने जो लोग कांग्रेस का लोग मेरा ऊपर नाराज है, आपने सद्दाम हुसैन क्या बोला, मैं तो राहुल जी को बहादुर शाह जाफर तो नहीं बोला ना, मैंने इतना ही बोला कि आपका चेहरा सद्दाम जैसा लग रहा है, उसमें तकलीफ क्या है, दाढ़ी वोड़ी काट लो दोबारा आप राहुल जैसा लग जाएगा, वेरी सिंपल बात है। लेकिन उसको ना करके आप ही ज्यादा पब्लिसिटी दे रहे। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता है, थोड़ा ही मेरा ट्विटर का फॉलोअर है, तो आप जब मुझको ट्रोल करेगा वो ज्यादा पब्लिसिटी देश में हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर लीजिए, वो सिस्टम से होते नहीं है। आपको याद होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री का खिलाफ आप लोग क्या क्या बोला था और क्या क्या बोलने का आप लोग ने दुस्साहस किया था, उसका बाद मुझको ज्ञान दीजिए मुझको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गुजरात का चुनाव एक देश को एक बहुत बड़ा सपना का आभास हुआ कि पहला बार देश में यह बोला गया कि हमारा भारत में भी ओलंपिक हो सकता है। कब होगा कैसे होगा दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हमको करने देगा, कब करने देगा अलग बात है। लेकिन आज एक देश का प्रधानमंत्री जी का प्रदेश से ये एक घोषणा हो चुका है कि नाउ इंडिया इज रेडी टू होस्ट ओलंपिक। एक बहुत बड़ा ऐलान है, हम भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो। एक जो गुजरात से जो एक नया भारत का दिशा दिखाया कि नाउ इंडिया इज रेडी टू होस्ट ओलंपिक, ये सुन के ही एक देश में एक प्रकार का आइडिया हो गया कि अभी देश में जरूर ओलंपिक होने वाला है, गुजरात में ओलंपिक होने वाला है। और गुजरात ने जैसे नेशनल गेम्स को अभी बहुत भव्य तरीका से जैसे नेशनल गेम्स को मेजबानी किया, इससे एक फाउंडेशन तैयारी हो चुका है और एक पूरा देश में स्पोर्ट्स फेटर्निटी में एक उत्साह का माहौल है कि देश में हमारा ओलंपिक को मेजबानी करने का भी अभी साहस हो चुका है। एंड गुजरात विल बिकम ए नेचुरल होस्ट कि ओलंपिक गुजरात में होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को और गुजरात बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। घोषणा पत्र का एक बहुत बड़ा ऐलान कि इंश्योरेंस जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो 5 लाख से 10 लाख किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा साहस है। आज प्रधानमंत्री जो पीएम जय बीमा योजना है, करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है कि आज मेरा कैंसर हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट होगा, मेरा पास आयुष्मान भारत का कार्ड है। गुजरात में ये ऐलान किया है कि 5 लाख को 10 लाख किया जाएगा। जब गुजरात करेगा बाकी देश का प्रदेश भी करेगा, ये देश का गरीब के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान है। मैं भारतीय जनता पार्टी गुजरात को अभिनंदन करता हूँ, साथ में प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देश का सामने एक बहुत बड़ा सपना रखा
कि अभी हमारा जो बीमा है वो 5 लाख जाके 10 लाख होगा। तो ये गुजरात का जो चुनाव है एक प्रकार देश को एक नया दिशा दे रहा है कि देश में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव होने वाला है। हमारा देश ओलंपिक भी मेजबानी करेगा, इतना भी साहस और प्रेरणा देश का सामने रखा गया है। और साथ में हमारा जो लाभ जिहाद हो, यूसीसी के लिए हमारा जो एक प्रतिबद्धता हो, हमारा रेडिकलाइजेशन का खिलाफ जो हमारा काम है, और साथ साथ में टेररिज्म का खिलाफ हमारा जो रिजॉल्व है, ये सारे गुजरात चुनाव में उभर के आए हैं। देश को 2024 लोकसभा का एजेंडा का एक महसूस अभी से होने लगा है कि देश में 2026 का लोकसभा चुनाव कौन सा मुद्दा में होगा, कैसे मुद्दा में होगा, गरीब कल्याण में होगा, भारत को शक्तिशाली करने के लिए होगा, संत्रासवाद का खिलाफ में होगा, रेडिकलाइजेशन का खिलाफ में होगा, लाभ जिहाद जैसा गलत काम का खिलाफ में होगा, सारा एक 2026 का मुद्दा मुझको सामने देख रहा हूं। मैं तो पहला दिन से ही जब गुजरात में आया मैं एक ही बात बोलते रहा कि गुजरात का चुनाव तो गुजरात का लोग का जनता का इतना प्रेम मोदी जी का साथ है, हम तो 150 पार कर लेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है और मुझको यही लगते है। इसलिए मैं भी 7-8 जगह में घूमा और ये चुनाव बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारा होगा। लेकिन साथ में 2026 में लेट अस बीजेपी विल क्रॉस 400, इसका भी एक बहुत बड़ा जो हमारा संकल्प है ये उभर के आया है। तो इसलिए मैं गुजरात का लोगों को, गुजरात का जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मोदी जी को देश को दिया, देश का सेवा में दिया। आज राम जन्मभूमि से बाबा केदारनाथ तक, केदारनाथ से माँ कामाख्या तक, भारत का सभ्यता संस्कृति का जो पुनरुत्थान का जो सपना था आज साकार हो रहा है। थोड़ा दिन पहले दिल्ली में एक सभा हुआ था हमारा लाचित दिवस का, मतलब महावीर लाचित का 400 बर्थ सेंटिनरी, वो सभा में मैं ही बोल के मेरा भाषण को समाप्त किया था। वल्लभ भाई पटेल को बहुत समय नहीं मिला, एक साल में वो देश को ज्योग्राफी के लिए एकत्रित किया, जितना कम समय था उसी समय में ही वो देश को ज्योग्राफी के लिए एकत्रित किया। लेकिन आज मोदी जी ने मधेपुर उत्सव किया, नॉर्थ ईस्ट का लोगों को गुजरात लेके आया, एक भारत को कि भारत का आत्मा एक है इसका एहसास दिलवाए, तमिलनाडु का लोग जाके काशी जाके काशी तमिल संगम कर रहे, जो भारत को आत्मा को एक करने का जो काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को जियोग्राफी के लिए एक किया, समय कम था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का आत्मा को एक करने का काम कर रहा है। अभी जो यूनियन ऑफ स्टेट वाला लोग है वो एक जगह में रह गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत लोग एक जगह में रह गया, और ये जो संघर्ष हो रहा है देश में कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और यूनियन ऑफ स्टेट, ये लड़ाई में हम लोग बहुत आगे निकल गया। इसलिए देश हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी का ऊपर कृतज्ञ रहेगा, गुजरात का जनता का ऊपर कृतज्ञ रहेगा, इसलिए गुजरात ने हमको ऐसा देश के लिए काम करने के लिए ऐसा बहुत बड़ा नेता देश को दिया, जो सदियों में कभी एक होता है, कभी एक ऐसा नेता आते हैं, उस नेता को गुजरात ने भारत को दिया। तो मैं गुजरात का धरती को प्रणाम करता हूं। उसमें समस्या क्या है? क्या हिंदू को अधिकार नहीं है एज ए पॉलिटिकल शक्ति बात करने का? क्या ओएसी क्या ही वो अधिकार है क्या पोलराइज करने का? हमें भी ये अधिकार है कि भारत में आप सनातन संस्कृति का बात करो, भारत में आप भी हिंदू का अस्मिता का बात करो, और साथ साथ में मुसलमान समाज में जो महिलाओं का ऊपर शोषण हो रहा है उनका खिलाफ भी बात करो। तो ये क्या हिंदू का अधिकार नहीं है कि हिंदू का गौरव गाथा को बोलने का कि हमारा देश में राम था, हमारा देश में कृष्ण था? आप क्यों सोचता है कि
हिंदू का गौरव गाथा बोलने से देश पोलराइज हो जाता है। कोई सारा मुसलमान हिंदू का गौरव गाथा से प्रेरणा लेता है कि हम ये देश में बास करता हूं जो देश में राम था कृष्ण था। कम से कम हमारा, मैं जो देख रहा हूं, मेरा बहुत मुसलमान दोस्त है, वो लोग हिंदू का जो देश के लिए कंट्रीब्यूशन है उससे वो लोग प्रेम, वो लोग उससे प्रेरणा लेता है। आप लोग ये पोलराइजेशन सब लाके हिंदू मुसलमान का बीच में प्रॉब्लम खड़ा करता है। ये देश हिंदू सिविलाइजेशन है, सनातन सिविलाइजेशन है, और मुसलमान को भी इससे गर्व है। देखिए, पहला बात, कोई ये नहीं बोलता है कि एक वर्ग कंप्लीटली रेडिकलाइजेशन है, उस वर्ग में देश प्रेमी भी है। बट अनफॉर्चुनेटली जो PFI है, जो भी सिमी है, वो भी उस वर्ग से ही आते हैं। उस वर्ग से देश प्रेमी भी आते हैं, लेकिन उस वर्ग से रेडिकलाइज एलिमेंट भी आते हैं। तो हमें उस वर्ग का जो देश प्रेमी हो उनको साथ में लेके जो रेडिकलाइज वाला एलिमेंट है उनको नाश करना है। कभी ये भूल मत कीजिए, आज का जो नया गुजरात है वो 2002 का फाउंडेशन में ही हुआ है। तो 2026 नहीं, 2050 में भी 2002 का जिगर आएगा। इसलिए हर दिन गुजरात में दंगा होता था, हर दिन पोरबंदर में क्या होता था। जब नया गुजरात बना, ये 2002 का फाउंडेशन में बना। जैसे मैं असम में बात करता हूं, हमें कभी 1979 भूलता नहीं हूं, इसलिए दैट वाज द ईयर ऑफ असम एजिटेशन। तो 2002 का फाउंडेशन में ही नया गुजरात बन रहा है। नहीं तो गुजरात में हर दिन दंगा था, हर दिन मारपीट था, तुष्टिकरण का राजनीति था, खत्म हुआ, विकास का राजनीति उभर के आया। सो तुष्टिकरण से जो विकास का राजनीति हुआ उसमें 2002 वाज ए ईयर ऑफ चेंज। तो गुजरात का, नया गुजरात का जब तक इतिहास होगा और संघर्ष शुरू रहने तक होगा, तब तक 2002 का जिक्र आते रहेगा। नहीं, हम तो कार्यकर्ता है नहीं, गुजरात का मुख्यमंत्री भी असम जाते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। खड़गे जी भी यहाँ आया है, ये तो एक बहुत बड़ा न्यूज है। मैं तो इतना साल रहा कांग्रेस में, कोई खड़गे बोल के कोई था, मैंने 22 साल कांग्रेस में रहा। कांग्रेस में कभी मैं बिना गांधी और कोई नाम था मैं उसको महसूस ही नहीं हुआ था। अगर खड़गे जी गुजरात में आता है ये अच्छा हुआ है, उनको घूमना चाहिए गुजरात का विकास का बारे में आइडिया लेना चाहिए उनको।